एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। आज हम पोयम लर्न करेंगे जिसका नाम है फूल और कांटे, रिटन बाय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें। बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना करके बहुत महान कार्य किया है, इसलिए हम सभी लोग उनका नाम रिस्पेक्ट से लेते, आदरपूर्वक लेते और अभिमान से लेते। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या हम उनको याद करते? तो यहाँ पर भी कवि अयोध्या सिंह जी ने हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर यही समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य बड़े कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने से ही बड़ा बनता है। तो चलो बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट बुक की ओर। कवि कहते हैं, है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। अभी दोनों का जन्म एक ही जगह पर हुआ है। अब ये दोनों मतलब कौन है? फूल और कांटा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? पौधे पर। तो अभी पौधे पर जन्म हुआ है, इसलिए उनको पालन पोषण कौन कर रहा है? उनका, उनको कौन संभाल रहा है? पौधा। एक ही पौधा उन्हें है पालता। तो ये जो पौधा है, मतलब सैपलिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं सैपलिंग, तो ये जो पौधा है, ये पौधा इन दोनों को संभाल रहा है, उनका क्या कर रहा है? उनका पालन पोषण कर रहा है, मतलब इंग्लिश में कहते हैं लुक आफ्टर। तो ये पौधा इन दोनों को संभाल रहा है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात के समय आकाश में जब चांद आता है तो अपनी वो जो शीतल जो चांदनी होती है, तो वो शीतल चांदनी पृथ्वी पर एक समान फैलाता है। तो इस फूल पर भी और इस कांटे पर भी उसकी जो चांदनी है, शीतल चांदनी जो है, वो समान रूप से फैलाता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। मेह उन पर एक समान बरस रहा है। मेह मतलब बादल, क्लाउड्स। तो जब ये जो क्लाउड्स है, जो बादल है, जब पृथ्वी पर अपना जल बरसाते हैं तो वो फूल पर और कांटे पर समान रूप से अपना जल बरसाते हैं। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, एक सी उन दोनों पर हवाएं भी एक समान बह रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हवा पर फूल पर कुछ ज़्यादा हवा बह रही है या कांटे पर कम हो रही है, ऐसा नहीं है। दोनों पर हवा के जो झोंके हैं वो दोनों पर एक समान बह रहे हैं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मतलब एक ही परिस्थिति में पलने के बाद इन दोनों को, फूल और कांटे को, एक समान रोशनी मिल रही है। चांद जो है अपनी चांदनी एक ही समान डालता है, फूल पर भी उतना ही उसकी चांदनी डालता है और कांटे पर भी उतनी ही चांदनी डालता है। बादल जो अपना जल बरसाते हैं वो फूल पर भी उतना बरसाते हैं और कांटे पर भी उतना ही बरसाते हैं। हवा भी कांटे पर उतनी जितनी बह रही है उतनी ही फूल पर भी बह रही है। मतलब एक ही परिस्थिति में पलने के बाद भी इन दोनों के स्वभाव अलग अलग है। इनका जो ढंग है, इनके जो स्वभाव है, वो कैसे है? अलग अलग है, भिन्न है, मतलब एकदम डिफरेंट है। तो अभी आगे के स्टैंजा में कवि ने हमें कांटे के गुणधर्म के बारे में, उसका व्यवहार कैसा है, वो हमें बताया है। वो कहते हैं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। अभी कांटा क्या करता है? छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, उंगलियां मतलब फिंगर्स। तो वो कांटा क्या करता है? हमारे फिंगर्स को छेद कर देता है। छेद करना यानी जब हमें कांटा जब कभी चुभता है हमारी उंगली में तो वहाँ पर एक छोटा सा होल बन जाता है। तो मतलब क्या, वो हमारे उंगली को छेदता है और हमारे उंगली को वो घायल कर देता है, हमें दर्द देता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन, अभी उंगली में तो उसने छेद कर दिया है और वो क्या करता है, हमारे कपड़े भी फाड़ देता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन, वर मतलब सुंदर और वसन मतलब कपड़े। जब कभी हमें कांटों से गुजरना पड़ता है, कांटियों के झाड़ियों से जब गुजरना पड़ता है, तब हमें क्या करते हैं, वो कांटे चुभते हैं और हमारे कपड़े उसमें अटक भी जाते हैं। तो जब कभी हम अपने कपड़े निकालने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है, वो क्या करते हैं, कांटे हमारे कपड़ों को फाड़ देते हैं। मतलब हमारे जो वर वसन है, हमारे जो सुंदर वस्त्र है, जो कपड़े हैं, उनको वो क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं। आगे कवि कहते हैं, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर,
भौर का है वेद देता श्याम तन। अभी उसने हमारे उंगली को छेद कर दिया, हमारे अच्छे अच्छे कपड़े फाड़ दिए, अभी वो क्या करता है, तितलियों के पर कतरता है। तितली मतलब बटरफ्लाई। ये जो बटरफ्लाई है ये फूलों से आकर्षित होती है, फूलों पर जाकर बैठती है, तब ये क्या करता है काटा, उसके जो ब्यूटीफुल जो विंग्स है उसे वो क्या करता है, कतर देता है, मतलब क्या करता है, काट देता है। इतना ही नहीं, ये जो भौर का है वेद देता शान, भौर मतलब बी, ये भौरा जो है जो फूलों पर मंडराता है तो ये क्या करता है, उसके श्याम तन को भी घायल कर देता है। तो ये श्याम तन, श्याम मतलब काला, ब्लैक कलर, तन मतलब शरीर, तो ये काटा भौरे के शरीर को भी क्या कर देता है, उसे भी घायल कर देता है, उसे भी वो दर्द देता है। कवि आगे कहते हैं, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अभी इस पहले के स्टैंजा में कवि ने हमें काटे के गुणधर्म के बारे में बताया, उसके स्वभाव के बारे में बताया, तो अभी स्टैंजा में वो हमें फूल के बारे में बता रहे। तो फूल क्या करता है, वो तितलियों को अपने गोद में लेता है। तितली मतलब बटरफ्लाइज, मैंने बताया आपको कि वो क्या करता है, अपने गोद में उसे वो जगह देता है, उसको अपने गोद में वो बैठाता है, और वो क्या करता है, भौर को अपना अनूठा रस पिलाता है। भौर मतलब भौरा, बी जैसे मैंने कहा था, तो उसे वो क्या करता है, अपना अनूठा रस पिलाता है। अनूठा मतलब अलग, एकदम अनोखा, निराला रस पिलाता है। रस मतलब ये नेक्टार है, जो भौरे जो फूलों से नेक्टार कलेक्ट करते हैं, चूस करते हैं, सक करते हैं, तो उसे क्या कहा गया, रस कहा गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कांटे ने क्या किया था, भौरे को जब वो अनूठा रस पी रहा था तभी उसने क्या किया, कांटे को अपना सॉरी भौरे को घायल कर दिया कांटे ने, और फूल ने क्या किया, उस भौरे को अपना अनूठा रस पीने दिया है। कांटे ने क्या किया, भौरे को घायल कर दिया, और फूल ने क्या किया, भौरे को अपना अनूठा रस पिलाया है। और आगे क्या करते हैं, फूल निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। अभी फूल के जो अलग अलग जो कलर्स होते हैं, उनकी जो खुशबू होती है, बहुत ब्यूटीफुल फ्रैग्रेंस जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, तो अलग अलग फूलों के अलग अलग खुशबू होती है, उनके कलर अलग होते हैं, उनके साइज अलग 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 होते हैं, तो ये जो फूल है लोगों को अपने खुशबू से, अपने कलर से लोगों को आकर्षित करते हैं, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और उनकी जी की कली खिलाते हैं। अभी यहाँ पर जी की कली खिलना मतलब ये मुहावरा है, तो जी की कली खिलना मतलब खुश होना। तो यहाँ पर फूल क्या करता है, अपने कलर और ब्यूटीफुल फ्रैग्रेंस से, खुशबू से वो लोगों के मन को खुश करता है, उन्हें प्रसन्न करता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर सीस पर। पहले कवि ने हमें कांटे के व्यवहार के बारे में बताया, बाद में हमें उन्होंने फूल के व्यवहार के बारे में बताया, तो अभी वो कहते हैं कि है खटकता एक सबकी आंख में, हमारी आंख में एक कोई तो खटक रहा है, तो वो कौन है, काटा है। हमारी आंख में खटकता है मतलब क्या, हमें वो पसंद नहीं आता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लोगों को दर्द देता है। तो फूल क्या करता है यहाँ पर, दूसरा है सोता सूर सीस पर, दूसरा, अब ये दूसरा मतलब कौन है, फूल है। तो अभी फूल अपने अच्छे व्यवहार की वजह से क्या होता है, वो सूर सीस पर है, सोहता सूर सीस पर, सोहना मतलब शोभा देना, सूर सीस पर मतलब क्या, देवताओं के शीश पर हम क्या करते हैं, फूलों को चढ़ाते हैं। मतलब देखो यहाँ पर कांटे के व्यवहार की वजह से वो लोगों की आंख में खटक रहा है, और फूल के व्यवहार की वजह से, फूल के अच्छे व्यवहार की वजह से लोग उन्हें क्या करते हैं, देवताओं के शीश पर चढ़ाते हैं। तो लास्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर कवि ने, वो कहते हैं कि अगर हम अच्छे कुल में जन्म लेते हैं तो उससे हमारा नाम बड़ा नहीं होगा, बल्कि हमारा नाम कब बड़ा होगा, जब हम अच्छे कर्म करेंगे। मतलब क्या, अगर बड़े कुल में हमने जन्म ले लिया है लेकिन अगर हमारे कर्म बुरे हैं, अगर हमारा व्यवहार बुरा है, तो हमारा अच्छे कुल में जन्म लेना
कुछ भी काम का नहीं है, इसलिए हमारा कर्म अच्छा होना जरूरी है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ही हम हमारे कुल का नाम रोशन करते हैं। तो याद में रखो बच्चों, हमेशा अपनी ज़िंदगी में हमें क्या करना है, कांटे जैसा व्यवहार हमें नहीं करना है, बल्कि फूल जैसा अच्छा व्यवहार करके, अच्छे कर्म करके हमें अपना नाम, अपने फैमिली का नाम, अपने कुल का नाम, कुल का मतलब अपने वंश का नाम हमें रोशन करना है। तो आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो इसे बार बार सुनो, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।